अजय जोगी को बिलासपुर हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने अजय जोगी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जाति मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई के बाद आज हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है। इसे अजय जोगी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, पूर्व सीएम अजय जोगी की जाति को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने 23 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कमेटी ने अजय जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही बिलासपुर प्रशासन को मामले में दस्तावेज जब्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजय जोगी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। सबको बता दें, पूर्व सीएम अजय जोगी को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। जाति मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। तहसीलदार द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने पर कार्रवाई हुई है। कोर्ट के फैसले से अजय जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेटे अमित जोगी पहले ही न्यायिक रिमांड पर चल रहे हैं, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं अजय जोगी के लिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कोर्ट के फैसले के बाद लगता है अजय जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, किस तरह का रुख है उनका, क्या चीजें सामने आई? जिस तरीके से अजय जोगी ने जो एफआईआर हुई थी उसको निरस्त करने के लिए जो पिटीशन लगाई थी, उनको उम्मीद थी कि वो जो उनका 1967 के पहले चुकी इस कानून को मानता नहीं थी, इस आधार पर उन्होंने ये पारित करने की मांग की थी। कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, जो के खिलाफ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया, 420 का मामला दर्ज कराया था। अब ऐसे में जब जोगी की ये एफआईआर को निरस्त करने की याचिका खारिज हो गई है हाईकोर्ट से, तो अब उनके लिए बड़ी चैलेंज है। उनके बेटे भी रिमांड पर है कहीं ना कहीं अमित जोगी, तो इससे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? वो उनसे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये मामला जरूर पुख्ता हो गया है कि जो अजीत जो अमित जोगी तो ऑलरेडी जिस मामले में है वो नॉन अवेलेबल धारा है वैसे भी, और यही वजह है कि उनकी अभी तक की जमानत नहीं हुई है। लेकिन जोगी के मामले में अब जिस तरीके से ये खारिज हुई है हाईकोर्ट से याचिका, और अब ऐसे में जो पुलिस की कार्रवाई है, हो सकता है कि गिरफ्तारी की आगे जो पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि कोर्ट ने पुलिस को स्वतंत्र कर दिया, राज्य सरकार को स्वतंत्र कर दिया कि वो उसकी गिरफ्तारी करे, तो ये अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या स्टेप लेती है, क्या अजीत जोगी को गिरफ्तार करेगी कि, और बाकी जो अपराधी है उस जिस तरीके से बिहेव है वो वैसा करेगी, या फिर अब क्योंकि अब कोर्ट ने तो जो है पुलिस को स्वतंत्र कर दिया, इतना फ्रीडम दे दिया है कि वो इस मामले में आगे की जो एफआईआर के बाद की जो कार्रवाई होती है वो पुलिस को करना है। अब इसमें जो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है कि जोगी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन अब इसमें ये देखने वाला बड़ा पक्ष है कि पुलिस के पास इतना मात्रा है कि सरकार के पास क्या इतना मात्रा है कि जो जो कार्रवाई है, जो जिस तरीके से अमित जोगी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, क्या ऐसे अजीत जोगी के साथ हो सकता है, ये बड़ी बात अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि मामला अभी तक न्यायालय के पक्ष में और चल रहा था, और गेंद जो है न्यायालय के पक्ष में, अब चूंकि गेंद सरकार के पक्ष में चले गई है, पुलिस के पक्ष में चले गई सीधे तौर पर साफ तौर पर, तो अब जो भी कार्रवाई होनी है वो पुलिस को करनी है, राज्य सरकार को करनी है, पुलिस महकमे को करनी है, और वो क्या गिरफ्तारी करती है, अब इस पर अगर कहीं किसी तरीके से लिपअप होती, जैसे कि राजनीति होती है, तो साफ तौर पर जाहिर होगा कि राजनीति होगी, क्योंकि अब कोर्ट ने तो उसमें खारिज करके साफ कर दिया है कि हमको कोई तो लेना देना नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है, और जोगी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, सुनवाई इनकार कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया, तो एक बड़ा इशू जो है जोगी के लिए बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल तो कम से कम खड़ी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी को साझा करने के लिए। और प्रदेश में बाढ़ से हुए